इस फिल्म की स्टार्टिंग में एक फैमिली को दिखाते हैं जिसमें पीटर, उसकी बहन एनी और उसके फादर रॉयस मैन्यूमेंट वैले पहाड़ की चढ़ाई कर रहे होते हैं। उनके साथ दो क्लिम्बर और रहते हैं जो पहाड़ की चढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो पहाड़ की चढ़ाई करने में नए रहते हैं और वो पहाड़ से गिर जाते हैं। साथ ही उनकी फैमिली भी गिरने लगती है और वो सभी अब एक ही रस्सी पर लटक जाते हैं। तो एनी को उन सभी को बचाने के लिए क्लिप लगानी थी ताकि वो उन सबको बचा सके, लेकिन वो क्लिप नहीं लगा पाती है। तो रॉयस अपने बच्चों को जाने के लिए पीटर से रस्सी काटने के लिए कहता है, लेकिन पीटर ऐसा करने के लिए मना करता है। लेकिन पीटर अगर ऐसा नहीं करता तो वो सभी मर जाते। तो पीटर अपने आप को एनी को बचाने के लिए रस्सी को काट देता है और वहाँ पर उन दो लोगों के साथ उसके फादर की भी डेथ हो जाती है। अब फिल्म में 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल बाद पाकिस्तान हिमालय पर्वत को दिखाते हैं। तो पीटर ने अब क्लिम्बिंग छोड़ दी थी और वो एनिमल्स के फ़ोटो लेता है। वापस आते टाइम उसके साथी की लेग टूट जाती है तो वो हेलीकॉप्टर से उसे पाकिस्तान बेस पर लेकर जाते हैं जहां पर मेजर उनका ख्याल रखता है। तो वहीं पर मेजर पीटर को बताता है कि इलियट वॉन 40 लोगों के साथ K2 की चढ़ाई करने वाला है और उन 40 लोगों में थे उसकी बहन एनी भी थी। तो अब इसके बाद पीटर K2 बेस कैंप पर जाता है, वहाँ पर वो एनी से मिलता है। तो एनी पीटर को अपने फादर की डेथ का दोषी मानती है और वो उससे अब ज़्यादा बात भी नहीं करती है। तो उन दोनों का रिलेशन अब पहले जैसा नहीं रहा था। तो एनी पीटर को बताती है कि वो K2 पहाड़ चढ़ने वाली है वॉन के साथ। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हेलीकॉप्टर से वॉन भी आ जाता है। तो वॉन एक बिजनेसमैन रहता है, उसके पास काफ़ी पैसा रहता है। वहाँ पर आने के बाद वो टॉम से मिलता है। तो टॉम 5 बार एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुका था और वो उनकी टीम का लीडर बनने वाला था। अब फिल्म में रात हो जाती है तो वॉन अपने सभी साथियों को पार्टी भी देता है और वो अपने साथियों को स्पीच भी दे रहा होता है। इतने वहाँ पर विक आ जाता है। तो 4 साल पहले वॉन ने K2 की चढ़ाई की थी कुछ साथियों के साथ और उन साथियों में से विक की वाइफ भी रहती है। तो इतने ही वहाँ पर स्टॉर्म आ जाता है और उसमें उनके साथियों की डेथ हो जाती है, जिसमें विक की वाइफ की भी डेथ हो जाती है। और वॉन क्लेम करता है कि उसकी वाइफ एडमा से मर गई थी जिसकी डेस्क की सप्लाई ख़त्म हो गई थी, लेकिन विक उस पर विश्वास नहीं करता है और वो सालों से पहाड़ पर चढ़कर अपनी वाइफ की डेथ बॉडी को ढूंढने की कोशिश करता है। और इसी के साथ विक पहाड़ चढ़ने में काफ़ी प्रोफेशनल था और वो एनी और पीटर के डैड के साथ भी चढ़ाई करता था। अब पीटर एनी के पास जाता है और एनी से वो माफ़ी भी मांगता है, लेकिन एनी उसे माफ़ नहीं करती है। और अगली सुबह वॉन अपनी टीम के साथ पहाड़ की चढ़ाई करना शुरू कर देता है। उसकी टीम में एनी, टॉम, एली और एक और आदमी रहता है और वो साथ चढ़ाई करना शुरू करते हैं। चढ़ाई के दौरान बेस कैंप से टॉम के पास वार्निंग भी आती है कि वहाँ पर तूफान आने वाला है और टॉम वॉन से वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन वॉन उसकी बात को नहीं मानता है। तो वहाँ पर तूफान आने वाला था, ये बात पीटर को भी पता चल जाती है और वो रेडियो से टॉम को वार्निंग देता है दोबारा से, लेकिन टॉम वॉन को समझाता है और वॉन उसकी बात को नहीं मानता है। और यहीं पर एनी भी वॉन का ही साथ देती है और वो पहाड़ की चढ़ाई करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर तूफान भी आ जाता है और एनी और वॉन अभी भी पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे। तो तूफान की वजह से वहाँ पर एक दरार बन जाती है और एनी उस दरार में गिर जाती है। साथ ही टॉम और वॉन भी उस दरार में गिर जाते हैं और बाकी के 2 लोग मर जाते हैं और बर्फ़ की वजह से वो दरार बंद हो जाती है। तो उनका निकलना काफ़ी मुश्किल था, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि वो वहाँ से निकल ही नहीं सकते थे। तो पीटर एनी के पास मोर्स कोड भेजता है, ये एक सिग्नल रहता है बात करने का, और एनी को वो मोर्स कोड पता थे तो वो उनकी वजह से पीटर से बात करती है। पीटर और एनी को मोर्स कोड से बात करना उनके फादर ने सिखाया था। तो पीटर एनी से बात करता है और उसे पता चल जाता है कि एनी, टॉम और वॉन अभी भी जिंदा हैं, लेकिन एली और वो दूसरा आदमी मर गया था। एली करीम का भाई रहता है। अब पीटर उनको रेस्क्यू करने का फैसला करता है। तो उनके पास 36 घंटे थे उनको बचाने के लिए, लेकिन वो 36 घंटे में वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। तभी उनको विक का ख्याल आता है जो 24 घंटे में शिखर तक पहुँच सकता है। तो पहाड़ चढ़ने में उनको विक की ज़रूरत थी। तो पीटर स्किप के साथ पाकिस्तानी बेस पर जाते हैं, वहाँ पर वो मेजर से मिलते हैं और मेजर उनको नाइट्रोग्लिसरीन देता है दरार को ओपन करने के लिए, वो एक बम रहता है। अब रात हो जाती है तो पीटर अपनी रेस्क्यू टीम बनाता है और उसका साथ देने के लिए करीम, मेलकॉल्म, सिरिल, स्किप और मोनिक मान जाते हैं। अब उनकी 6 लोगों की टीम थी। अब एनी को भी पता चल जाता है कि पीटर अपनी टीम लेकर उन्हें बचाने के लिए आ रहा है और उनके पास बम भी हैं, तो उनको तब तक अब सर्वाइव करना था जब तक कि
पीटर अपनी टीम को लेकर ना आ जाए। तो अगली सुबह पीटर अपनी टीम के साथ तैयार होते हैं पहाड़ की चढ़ाई करने के लिए। तो उसके बाद एनी को दिखाते हैं, तो वहाँ पर वॉन को एली का बैकपैक भी दिखाई देता है। तो इसके बाद पीटर को दिखाते हैं जो अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर से विक के पास जाता है, क्योंकि उन्हें विक की ज़रूरत थी चढ़ाई करने के लिए, और विक से वो अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन विक उनसे मना कर देता है। उसके बाद वो उसे पैसे का ऑफर देते हैं, और पैसे का ऑफर सुनते ही विक उनसे चलने के लिए हाँ कर देता है, लेकिन विक स्किप को वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि विक को कैंप पर एक ऐसे की ज़रूरत थी जो उनके भरोसेमंद हो। तो स्किप वापस चले जाता है। अब वो सभी हेलीकॉप्टर से 20,000 फीट की ऊंचाई पर जाते हैं, और उससे आगे उन्हें पहाड़ की चढ़ाई करके ही जाना था, लेकिन हेलीकॉप्टर से उनका उतरना काफ़ी मुश्किल था, बट वो एक एक करके उतर जाते हैं। अब वहाँ पर वो तीन ग्रुप बनाते हैं, दो दो लोगों के, और एक ग्रुप के पास नाइट्रो कैनिस्टर रहता है, और वो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में वॉन की टीम को दिखाते हैं, तो टॉम की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, उसे डेक्स की ज़रूरत थी, तो एनी उसे डेक्स देने वाली थी, लेकिन वॉन उसे रोकता है। वॉन उसे कहता है कि टॉम वैसे भी मर जाएगा, और हम उस पर अपनी डेक्स वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें टैक्स की जरूरत है। तो अब इसके बाद पीटर की टीम को दिखाते हैं जो अपनी रेस्क्यू टीम के साथ पहाड़ की चढ़ाई करना शुरू कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर एनी की भी काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो एनी और टॉम को डेक्स की ज़रूरत थी, तो इसलिए वो अली का बैकपैक लेने की सोचते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें और भी डेक्स मिल जाती। अब इसके बाद फिल्म में मोनिको और सिरिल को दिखाते हैं जो पहाड़ की चढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन सिरिल का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन मोनिक उसे पकड़ लेती है, लेकिन इतने ही सिरिल से नाइट्रो गिर जाता है और नीचे गिरते वो ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके सिरिल पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो बच जाता है, लेकिन इतने ही ब्लास्ट की वजह से वहाँ बर्फ़ गिरने लगती है और सिरिल की डेथ हो जाती है, लेकिन मोनिक बच जाती है, और उसी के साथ एनी अली का बैकपैक भी ले लेती है, उसमें उन्हें काफ़ी सारी डेक्स मिलती हैं। तो एनी अब टॉम को एक डेक्स लगाती है, उसके बाद वो अपने आप को भी एक डेक्स लगाती है। अब इसके बाद पीटर को दिखाते हैं जिसके पास मोनिक आती है, उसकी उंगली टूट गई थी, लेकिन पीटर उसे ठीक कर देता है। अब इसके बाद पाकिस्तानी बेस को दिखाते हैं, तो वहाँ पर सनलाइट की वजह से नाइट्रो कैनिस्टर एक्सप्लोड हो जाते हैं। अब उसके बाद बेस कैंप टीम को पता चल जाता है कि नाइट्रो कैनिस्टर सनलाइट की वजह से फटते हैं, तो वो पीटर को नाइट्रो को छाया में ले जाने के लिए कहते हैं, और वो बेस कैंप की बात मानकर उन्हें छाया में भी ले जाते हैं, यहाँ तक कि करीम और मेलकॉर्न भी कैनिस्टर को छाया में ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने कैनिस्टर को रखते हैं उसमें से सीनर बहने लगता है, धूप में चले जाता है, धूप में जाते ही वो ब्लास्ट हो जाता है, वहाँ पर उन दोनों की डेथ भी हो जाती है। तो एक्सप्लोड की वजह से बर्फ़ गिरने लगती है, तो वहीं पर विक को अपनी वाइफ की डेथ बॉडी भी मिल जाती है, लेकिन उसका डेक्स बॉक्स एम्प्टी रहता है, और वहाँ पर उनको पता चल जाता है कि वॉन ने उनसे झूठ बोला है, वॉन ने सरवाइव करने के लिए उसकी वाइफ की डेस्क चुरा ली थी। तो विक वॉन को मारकर उससे बदला लेने का फैसला कर लेता है। तो अब इसके बाद रात हो जाती है और वो सभी अपने टेंट में सो जाते हैं। इसके बाद वॉन को दिखाते हैं जो अपने आप को एक डेक्स लगाता है, लेकिन उसी सीरम में वो हवा भरकर उस एम्प्टी सीरम को टॉम को लगा देता है, उससे टॉम की डेथ हो जाती है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि डेक्स वो बचा सके, क्योंकि उसने विक की वाइफ के साथ भी ऐसा ही किया था। तो अब इसके बाद सुबह हो जाती है और विक उठकर पीटर और मोनिक के टेंट को देखता है, और उसे पता चलता है कि पीटर और मोनिक उससे पहले ही पहाड़ की चढ़ाई करने के लिए निकल गए हैं। अब फिल्म में वॉन और एनी को दिखाते हैं जो टॉम की डेड बॉडी से ब्लड निकालकर एक बैग में भरते हैं और वो उसे बाहर निकाल कर फोड़ देते हैं, और उससे वहाँ पर निशान बन जाता है। वो निशान इसलिए बनाते हैं ताकि पीटर को पता चल जाए कि वो कहाँ पर हैं। अब पीटर और मोनिक उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर निशान रहता है, और निशान देखकर उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर ही वो सभी लोग फंसे हुए हैं। तो इसके बाद पीटर एनी को एक मैसेज भेजता है जिसमें वो लिखता है कि हम नाइट्रो ब्लास्ट करने वाले हैं, ताकि एनी अब बाकी लोगों के साथ छुप जाए। तो अब इसके बाद पीटर वहाँ पर नाइट्रो कैनिस्टर की मदद से ब्लास्ट करता है और बर्फ़ भी हट जाती है। अब पीटर को एनी मिल जाती है और पीटर एनी को रस्सी की मदद से खींचने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर वो गिरने लगते हैं, लेकिन इतने विक आकर उन्हें बचा लेता है। अब विक नीचे जाता है, तो जैसे ही विक नीचे जाता है वॉन को लगता है कि वो उसे मारने के लिए आ रहा है। वॉन उस पर हमला भी करता है, लेकिन विक उसे मारता नहीं है, विक उसमें क्लिप लगाता है ताकि वो उसे अपने साथ बाहर निकाल सके। तो विक
वॉन को माफ़ कर देता है। अब वो सभी पहले एनी को बाहर निकालते हैं क्योंकि एनी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन एनी के पैरों की वजह से वहाँ से बर्फ़ गिरने लगती है तो वो सभी अब नीचे गिरने लगते हैं। अब वो सभी एक ही रस्सी पर लटक जाते हैं, लेकिन वो रस्सी सिर्फ मोनिक ने ही पकड़ रखी थी और मोनिक उनके वजन को नहीं झेल पा रही थी। तो विक के नीचे वॉन रहता है और विक उन सभी को बचाने के लिए अपनी रस्सी काट देता है ताकि वो वॉन को मारकर अपना बदला भी ले सके और वो बाकी लोगों को बचा सके। तो वो ऐसा ही करता है, वो रस्सी काट देता है और वहाँ पर विक और वॉन की डेथ हो जाती है, लेकिन वो सभी बच जाते हैं। तो पीटर और मोनिक एनी को लेकर बेस पर आ जाते हैं, वहीं पर मोनिक पीटर को किस भी करती है। अब पीटर एनी के पास जाता है और एनी पीटर को माफ़ भी कर देती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।